फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में बहुत ही खास अपडेट। देखिए, जैसा कि आप देखते होंगे थंबनेल लिखा है, टीजीटी के रिजल्ट में देरी की सबसे बड़ी वजह आखिर है क्या, क्या है इसका रीजन और क्या जानबूझकर रोका जा रहा है आपका टीजीटी का रिजल्ट, सब कुछ जाने इसी वीडियो में। तो समझ गए होंगे आप कि ये वीडियो किसके बारे में है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, देखते हैं सबसे पहले क्या है कि टीजीटी के रिजल्ट में आखिर सबसे बड़ी देरी की वजह है क्या, क्या है इसका रीज़न। तो सबसे पहले मैं आपको वह स्टेटमेंट दिखा दूँ जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव श्री नवीन किशोर जी का है। पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि उनका क्या है कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए, ये न्यूज है कल की, क्या है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने प्रवक्ता 2021 के 11 विषयों का इंटरव्यू शेड्यूल जो है 21 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। या 21 अक्टूबर से जो 11 विषय थे पीजीटी के जिनका रिजल्ट नहीं आया था, वह 21 अक्टूबर से इनका इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है या शुरू होने वाला है। उसमें 1325 रिक्त पदों के सापेक्ष 5170 अभ्यर्थी सफल हुए, जिनके सभी विषयों का इंटरव्यू या जिनके विषयों का इंटरव्यू होना है। आगे उसमें कौन कौन से हैं, जिन विषयों का इंटरव्यू होना है उसमें हिंदी है, संगीत गायन है, वाणिज्य, कृषि, शिक्षा शास्त्र, शारीरिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विषय हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया कि टीजीटी 2021 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट माह के अंतिम हफ्ते में घोषित होने की संभावना है। एक तो आप ये देखिए, संभावना है, ये लिखने की क्या आवश्यकता थी, जबकि कोर्ट का ऑर्डर है 31 अक्टूबर तक भर्ती भले ही ये पूरी ना हो, भर्ती तो किसी भी दशा में ये नहीं हो पाएगी पूरी। मतलब मेरा कहने का है कि 31 अक्टूबर तक आप कहें आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन ये लिखा है संभावना है, ये गलत है। 31 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट तो जारी होना ही होना है, क्योंकि इसमें कोई ना तो कोई लोचा है। तो लिखा है रिजल्ट घोषित होने के 15 दिन के भीतर संस्था आवंटित कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। मतलब जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें 15 दिन के भीतर संस्था आवंटित कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। चयन बोर्ड में अभी प्रवक्ता 2021 के अंग्रेजी सहित अन्य विषयों का इंटरव्यू शुरू हुआ है जो कि 20 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये तो थी वो खबर, अब जरा देखते हैं इसका एनालिसिस क्या है। अब देखें आप जरा कि टीजीटी के रिजल्ट में देरी की सबसे बड़ी वजह है क्या। देखिए, सबसे पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था, और अनुमान क्या, कुछ तो सूत्रों से ही पता चला था, थोड़ा अनुमान भी था कि हाँ आपका जब टीजीटी का रिजल्ट आने जाएगा उसके 2-4-5 दिन बाद में टीजीटी का रिजल्ट भी आ जाएगा। पहले ये अनुमान था कि 8 अक्टूबर से लेकर 10 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर जैसे ही ये लगा कि हाँ अब नहीं आएगा, 11 से लेकर 15 तक आपका रिजल्ट आ सकता है, तब तक चयन बोर्ड से नवल किशोर जी का बयान आ गया कि जो रिजल्ट है अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में आएगा। तो अब तो आप समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल है कि आपका रिजल्ट 15 तक भी आ जाए। 15 तक तो फिलहाल रिजल्ट नहीं आएगा, और 15 से लेकर 20 तक भी अगर नहीं आया तो ये तय है आएगा 25 तक भी नहीं। क्यों, फिर कब आएगा तो बताता हूँ कब आएगा। तो लिखा है क्या जानबूझकर रोका जा रहा है टीजीटी का रिजल्ट, तो ये बात सत्य है। अब आपके रिजल्ट को जो रोका जा रहा है वो रोका जा रहा है जानबूझकर। क्यों, इसका रीज़न आखिर सबसे बड़ा है क्या। देखिए, आप सब जानते हैं पीजीटी के इंटरव्यू चल रहे हैं 5 अक्टूबर से, तो 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेंगे ये इंटरव्यू, किसके, पीजीटी के। अब 20 अक्टूबर तक जब इसके इंटरव्यू चलेंगे तो सीधी सी बात है आप समझ सकते हैं कि 20 को तो रिजल्ट इसका आएगा नहीं, जो इसके इंटरव्यू फिनिश हो जाएंगे 25 तक, वो 20 तक फिनिश हो जाएंगे, तो 20 को तो इसका रिजल्ट आएगा नहीं। आप मान सकते हैं, हाँ जब 20 को ये फिनिश होंगे तो इंटरव्यू होने के बाद में रिजल्ट कम से कम आएगा तो 25 दिन, 5 दिन तो लग ही जाएंगे बीच में। हो सकता है थोड़ा जल्दी कर दें, 24 कर दें, तो 24 तक तो आपका रिजल्ट आना नहीं है टीजीटी का। क्यों, जैसे ही आपका पीजीटी का आ जाएगा
पीजीटी के रिजल्ट के बाद में ही आपका आएगा टीजीटी का रिजल्ट। सबसे बड़ी मेन वजह यही है, अब आयोग नहीं चाहता कि टीजीटी का फाइनल रिजल्ट भी, मतलब टीजीटी का रिजल्ट जब दिया जाए उससे पहले पीजीटी का फाइनल रिजल्ट जारी हो जाए। क्यों? अब जैसे पीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा, तो पीजीटी का जब रिजल्ट जारी हो जाएगा तो सीधी सी बात है, जो व्यक्ति अभ्यर्थी पीजीटी में जिसका सिलेक्शन होगा वो टीजीटी को चूज़ नहीं करेगा, वो टीजीटी में नहीं जाएगा। एक तो कोई एक दो होते हैं ऐसे, पता चला पीजीटी में उसका आया 500 किलोमीटर और टीजीटी मिल गया उसे उसे होम डिस्ट्रिक्ट, तब तो उम्मीद है वो पीजीटी छोड़ दे तब भी शायद, क्योंकि पीजीटी और टीजीटी में बहुत बड़ा अंतर है जॉब में, बहुत बड़ा स्पेस के लिए भी अच्छा है इसका, और वैसे भी सुविधाएँ और वैसे भी पोस्ट पीजीटी की बड़ी है टीजीटी की अपेक्षा। तो अगर 400-500 किलोमीटर दूर मिलता तो हो सकता है वो छोड़ दे, टीजीटी ज्वाइन कर ले। इसलिए पहले आपका जब पीजीटी का आ जाएगा, क्योंकि जैसे सपोज दैट टीजीटी है तो पीजीटी के जो 12 विषय के इंटरव्यू चल रहे हैं उन 12 का उम्मीद है 25 तक रिजल्ट इसका आ जाएगा। और जब 25 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा तो इसमें आपका देखिए इंग्लिश भी होगा, साइंस भी होगा। चलो साइंस तो पीजीटी में अलग अलग हो जाता है, होम मतलब जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री है तो इसे हटा दिया जाए तो इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद मैथ है। तो ये विषय ऐसे हैं जब इसका पीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा तो इंग्लिश वाले मैथ वाले जो बड़ी इसमें काफ़ी सीटें हैं तो ये लोग पीजीटी को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आयोग का यही मंशा है कि जो लोग पीजीटी में सिलेक्ट हो जाएंगे वो लोग टीजीटी में ज्वाइन नहीं करेंगे। इसलिए आप ये मान सकते हैं पीजीटी का जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, पीजीटी का जो फाइनल, ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल फाइनल रिजल्ट, बाद में ज्वाइनिंग तो होती रहेगी, तो पीजीटी के रिजल्ट के बाद तब कहीं आपका जारी होगा टीजीटी का रिजल्ट। यही सबसे बड़ी वजह है जिससे कि जानबूझकर आपका रिजल्ट रोका जा रहा है, ताकि जो है पहले पीजीटी का रिजल्ट क्लियर हो जाए उसके बाद में जारी करेगा आयोग, जारी करेगा टीजीटी का रिजल्ट, ताकि सीटें बेकार ना हों, जो लोग पीजीटी में पहुँच जाएँ वो टीजीटी में ना जाएँ, और जिसका पीजीटी में ना हो और उसका टीजीटी में हो तो वो टीजीटी में चला जाए। तो डियर फ्रेंड्स, यही आज की एक अपडेट थी जिसमें आप ये मान सकते हैं कि हाँ कि आपका जो टीजीटी का रिजल्ट है वो पीजीटी के बाद ही आना तय है। यही कारण है कि आयोग ने कहा है कि इसका रिजल्ट अक्टूबर माह के अंत तक दिया जाएगा, वरना इसे रोकने का कोई और रीज़न ही नहीं है। सब कुछ तैयार, कॉपी चेक, सारी टेंशन उसकी ख़त्म, केवल रिजल्ट जारी करने को रह गया है। लेकिन आयोग जारी नहीं कर रहा है, क्यों? सीटें व्यर्थ ना हो, पीजीटी क्लियर हो जाए, जो पीजीटी में पहुंच जाएगा वो टीजीटी में नहीं जाएगा, सीटें ख़राब नहीं होंगी। यही सबसे बड़ा कारण है जो कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।